रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने एक सातिर लुटेरे को लूट के सामानों के साथ गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को रामगढ़ताल थाने पर घटना का खुलासा करते हुए सीओ कैंट श्याम देव बिंद ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को डुमुआ ढाला के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान प्रेम शंकर पुत्र ओम प्रकाश निवासी चौड़िया मसान थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 6,700 रुपए नगद, एक मोबाइल फोन, एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। सीओ कैंट ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में रामगढ़ताल थाना प्रभारी सुशील कुमार शुक्ला, आजाद चौक चौकी प्रभारी विशाल कुमार उपाध्याय, उप निरीक्षक रमेश चंद्र चौधरी, हेड कांस्टेबल लोकनाथ सिंह, कांस्टेबल अंकित कुमार सिंह, आशिफ आलम शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट श्याम देव बिंद ने कहा, ये प्रेस ब्रीफिंग कर रही है, इन लुटेरा पकड़ा गया है। ये रामगढ़ पुलिस को आज एक सफलता मिली है, जिसमें एक सुबह चेकिंग में एक सातिर लुटेरा जो प्रेम शंकर नाम है उसका और बेलघाट थाने का रहने वाला है वो पकड़ा गया है। अभी कल लूट की एक घटना यहाँ हुई थी, जिसमें मोबाइल लूटा गया था और मुकदमा लिखा गया था कल, और वो उसके पास से वो लूट का मोबाइल बरामद हुआ है। और अब लगभग 15 दिन पहले इसी थाना क्षेत्र में एक चैन एक महिला से लूटी गई थी, उस लूट में भी ये शामिल थे ये लोग, और इसने स्वीकार किया है। लूट का उस चेन लूट का जो उन्होंने बेची थी उसका 6,700 रुपया भी इनके पास से बरामद हुआ है, और एक 315 बोर का तमंचा और एक कारतूस भी इसके पास से बरामद हुआ है। जिस मोटरसाइकिल से इन्होंने लूट की थी वो मोटरसाइकिल भी इसके पास से बरामद हुई है, और इसका एक साथी फरार हो गया है, उसके लिए भी टीम लगी हुई है। दो लोग घटना में शामिल थे, जिसमें से एक पकड़ा गया और एक इसका साथी फरार हो गया है। अभी तक इन्होंने जो स्वीकार की है ये गोरखपुर शहर में ही इन्होंने घटनाएं बताई हैं, और भी कई घटनाएं करना इन्होंने बताया, उसको वेरीफाई किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास रहा है इससे पहले? इससे पहले आपराधिक इतिहास तो यहाँ नहीं रहा है, अन्य थानों में पता लगवाया जा रहा है, अन्य थानों में हो सकता है। इससे पहले भी जेल जा चुके हैं सर? इस संबंध में अभी यहाँ देखा गया, अभी कोई मुकदमा भी यहाँ मिला नहीं है, अन्य थानों से अन्य जिलों से पता लगाया जा रहा है।